शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दादाजी, आपके पास पुरखों की जमीन है? ये कह रही है कि अगर उसे बेचकर इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो उसे बेचने में ही भलाई है। तो मर गया। हमने चंद्रा आंटी को ऐसा लालच दिया कि वो हमारी सारी बात मान लेगी। ऐसे का देख रहे हैं आप लोग? अरे भूतू थोड़े ना हम। अब क्या होगा दादाजी, कहीं उन्होंने सुन लिया होगा तो? सच सुन लिया होगा तो सब सामने आ जाएगा। भानु जी, ये बंटी के लिए एफडी कराई थी, याद है आपको? हाँ हमको याद है, अच्छे से याद है, एफडी कराई थी। तो क्या करें चंद्रा? तोड़ दीजिए। काहे तोड़वा दें? ये एफडी तो 20 साल तक की है ना। बंटी जब पैदा हुआ था ना तो हम उसके लिए बनवाए थे, ऐसे कैसे तोड़वा दें चंद्रा? मानो जी, हमारे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। सोचिए अगर गलती से हम लोगों ने, गलती से ही सही, बाबूजी को पागलखाने भेज दिया होता। वो तो ऊपर वाले की दया है कि ऐसी नौबत नहीं आई, और बाबूजी इतने महान है कि उन्होंने हम सबको माफ कर दिया। लेकिन हमारे दिल पे ये बोझ कुछ है और उतर नहीं रहा। वो नहीं बाबूजी, आप हमें बोलने दीजिए, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमें करने दीजिए। पर ये प्रायश्चित ऐसे ही हो सकता है कि हम उन बुजुर्गों की मदद करें जिनकी किस्मत आप जैसी नहीं है, जिनका कोई नहीं है, लाचार हैं, उनके घर वाले उनको बोझ समझते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें भी छत मिले, हम चाहते हैं एक अच्छा सा वृद्धाश्रम बने। बात तुम ठीक कह रही, लेकिन प्रायश्चित तो हम सभी को करना पड़ेगा। ये बंटी के भविष्य के लिए पैसे हैं। बंटी के भविष्य के लिए तो हम सब हैं, और सोचिए ना कितनी कितनी दुआएं मिलेंगी। बंटी का भविष्य तो ठीक रहेगा, पर उन बुजुर्गों के भविष्य का क्या होगा? हम सच कह रहे हैं भानु जी, अगर हमारे पास पैसा होता, हम इतने अमीर घर से होते तो हम सब दे देते, लेकिन गरीब खानदान से हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। चंद्रा तुम ऐसी बातें काहे कर रही हो? तुम हमारी पत्नी हो, ठाकुर खानदान की बहू हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो ये एफडी हम तोड़ देंगे। भानो, ये एफडी नहीं टूटेगी। लेकिन बहू का ये सपना जरूर पूरा होगा। वो अपनी पुश्तैनी वाली जमीन है ना, वो बहू का सपना पूरा करने के काम आ जाएगी। वो जमीन हम बेच देंगे। बहू, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, और तुम्हारे इस नेक इरादे में हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ चंद्रा? नहीं कुछ नहीं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। क्या चाल चली है चंद्रा, कि बुढ़ा हूं जमीन का सौदा करने को राजी हो गए। अब बिकने तो दो जमीन, हम वृद्धाश्रम जरूर बनाएंगे।
ऐसी गलतफहमी हमारे दुश्मनों को भी ना हो। ये हुआ हमारा वार्ड नंबर 2। ताई जी, अब हमारे प्लान में पूरी तरह फंसती जा रही है। अभी तक तो सब फूल जड़ी जैसा था, बॉम्ब तो अब फूटेगा। अरे वाह, बीना के पति का फोटो भी आ गया। बाबा जी को दिखा देते हैं, बेचारे की परेशानी का कोई तो हल निकलेगा। ये है बीना का पति, दिखने में तो बड़ा सीधा लग रहा है। कैसे कैसे लोग होते हैं। गोमती नगर में एक बंगला देखो, और बनारस के पास एक और बंगला एकदम घाट के पास, 1 किलो का कमरबंद बस। अरे नहीं, वो बड़ा पत्थर आता ना, पत्थर वाली अंगूठी। सॉलिडर मम्मी। हाँ वही, देखो सब हमारा। पिछली बार तो सारा जेवर ना बंटी को बचाने के लिए दे दिए थे, इस बार उससे भी महंगा, उससे भी जड़ा हुआ बनवाएंगे। देखो हमारा भी लिख लिया। कोई डरा रहे हो? नहीं बहना, डरा नहीं रहे। बीएमडब्ल्यू लिखो बेटा, बीएमडब्ल्यू। नहीं नहीं नहीं, बीएमडब्ल्यू नहीं बहना, हेलीकॉप्टर लिखो। उड़ के आएंगे। हमारा कहने का मतलब है बहना, जब सपना देखना ही है, सफेद हाथी का देखो। इस यार का सपना देखने का क्या फायदा, ठीक है? नहीं देखो, देखो बेटा लिखो। तुम्हारी जबान एकदम कटन्ने जैसे नहीं चल रही है, कटन्नी से काट देगा। हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि 25 करोड़ का मैटर है ना, इतना आसान बात थोड़ी ना है, इसलिए कर दिए आसान। पैसा पहिया घुमाए है ना, कि अब सारा पैसा हमारे हाथ में आएगा। का बात कर रहे हो बन, ससुर जी जमीन बेचने को मान गए का? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अरे बेना, तुम तो कमाल कर दिए। हाँ बहुत मजा आएगा, हम दोनों दोनों भाई बहन ना लंदन चलेंगे। हम लोग नहीं नहीं जर्मनी जाएंगे, बहुत सुंदर जगह, हमने सुना है वो समंदर पे जो तैरता है वो बोट, वो कौन सा होता है, वो पे हम लोग चलेंगे। हम कौन? हम तुम क्या लग रहे हो? हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बना। तुम्हारे सगे भाई हम बुला गए का? हाँ सगे भाई हो तो रक्षाबंधन और भाई दूज पे आ जाए। पर वारिस बना देंगे तुमको। अपने जो मेहनत की कमाई है तो तुम्हारा नाम कर देंगे। नहीं हम तो ऐसे ही कह रहे थे बहना, मतलब ठीक ही तो कह रहे हैं। अब ये बताओ औकात है तुम्हारी इस घर में रहने की? रेशमी बिस्तर पे सोते हो, पकवान खाते हो, पूरे घर में ऐसा घूमते जैसे हमारे पिताजी ने बना के दिया हो, हाँ? जान लो समझ लो, औकात नहीं है तुम्हारी, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। एहसान मानो, रोज पैर धो के पिया करो। औकात तो नहीं है हमरा, बात तो सही कर रही हो बाना। ये बात सही कही, सगे भाई हो हमारे, औकात मत भूलो। मामा को हमेशा डांट पड़ती है। अच्छा।
तुम्हारी मन हमें हमारी औकात याद दिलाई है। हंसले बेटा हंसले, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी अम्मा को हम अपना औकात दिखाएंगे, तब देखते हैं कितना हंसती हैं वो। बहुत दिन से बाना को कोई फोन नहीं आया ना, अब सुकून खाता हूं। अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, रुपेश को फोन करते हैं। हेलो हेलो रुपेश, वो हमने तुम्हें बस यही बताने के लिए फोन किया था कि पता नहीं हमें अजीब सी घबराहट हो रही है, दिमाग हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। परेशान मत हो, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम थोड़ी देर सो जाते हैं, शायद मन शांत हो जाए। तुम भी सो जाओ। हाँ ठीक है, बाय बाय। फोन से डर गए। ये रात को किसका फोन? हेलो हेलो, कौन? एक आदमी मार के तुम सोचती हो कि तुमको नींद आ जाएगी? लगता है शवनी का होगा। हाँ तो उठाओ। हेलो हेलो, आप कैसे? शवनी, हम ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? लो हमारी बात करो। लो बाबा से बात करो। हाँ बेटा कैसी हो? सब वहाँ कुशल मंगल है ना? आंगनवाड़ी में सब आराम से है ना? कोई बात की तकलीफ तो नहीं तुम्हें? नहीं, हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अरे तुम्हारी चिंता कैसे ना करें, तुम हवेली के इतने करीब जो हो। और जब से हमें ये पता चला है तब से हमारा मन बहुत घबरा रहा है। देखो बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। कुछ भी करके ना तुम हवेली के आसपास भी मत जाना। हाँ बाबा। नहीं नहीं, तुम पहले हमसे वादा करो कि तुम हवेली नहीं जाओगी। करते बाबा से झूठ पूरी बात। अच्छा आपका ऑपरेशन कब शुरू होगा? डॉक्टर अंकल ने तो कहा था जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा हाँ, डॉक्टर अंकल ने सही कहा था, बहुत जल्द हमारी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। कब? डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि अगले हफ्ते। तो फिर आप कितने दिनों में देखने लगेंगे? अरे बेटा थोड़ा सब्र करो, सुना है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा है कि जैसी आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा फिर आपको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। वो कहा है कि बेटा हमारी आंखों में पट्टी होगी ना, और फिर धीरे धीरे वो पट्टी उतरेगी और फिर हम अपनी पटर पटर बोलने वाली गुड़िया से मिल पाएंगे और उसे देख पाएंगे। हाँ यानी 10 से 15 दिनों में बाबा की आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। ये तो सीधे भगवान जी का सिग्नल है, ताई जी हारने वाली है। भगवान जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ताई जी को हराने में अब बस हमारी जरा सी मदद कर दीजिए। हम एक बार बाबा को घर ले आए ना, बस फिर कोई चिंता नहीं। रवनी
क्या जी? जी क्या चल रहा है? कुछ नहीं। छुट्टी? हमारे प्यारे देवर जी से बात करे थी, केशव देवर जी से। ला हमारी भी बात करो। अरे थोड़ा पूछे हाल चाल कैसे हैं? तू? हे भगवान अब क्या करें? अगर ताई जी की आवाज भावा ने सुन ली तो वो सब समझ आएंगी। अरे दो खड़ी का है हो? दो जल्दी से। अरे दो इधर। हाँ देवर जी। हेलो देवर जी। अरे वो नहीं मर गया तुम्हारा? इतना मन था उनसे बतियाने का। हेलो हेलो, ये चंद्रा भाभी की आवाज थी ना? ये चंद्रा भाभी थी। शर्वनी, हेलो शर्वनी। हेलो हेलो शर्वनी, बेटा कहाँ हो तुम? हम जानते हैं चंद्रा भाभी की आवाज ही थी। हाँ ये उसी की आवाज है। इसका मतलब कि शर्वनी हवेली में है चंद्रा भाभी के साथ। लो ताज कर लो, खूब बतिया। आखिरकार शर्वनी वहां कर क्या रही है? बाबूजी तो वहां लेके नहीं जाएंगे और माँ भी नहीं लेके जाएगी। फिर दीदी शर्वनी वहां पहुंची कैसे? हमें बहुत डर लग रहा है। अगर चंद्रा भाभी को पता चल गया कि शर्वनी हमारी बेटी है तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगी जी। चंद्रा भाभी ने जो हमारे साथ किया सो किया, लेकिन अगर उन्होंने हमारी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कसम से बता रहे अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। तुम फिक्र मत करो। लेकिन इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, पहले हम लोग गोरखपुर चलेंगे और वहां जाकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन आपने तो कसम खाई थी ना कि जब तक आप पे लगे सारे इल्जाम हट नहीं जाते आप तब तक हवेली में कदम नहीं रखेंगे। हाँ निधि, लेकिन आज हम किसी कसम वसम को नहीं मानेंगे क्योंकि आज हमारी बच्ची की बात है। ठीक है, हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ हो गया बहन, ये सब का कर रखा है? कश्मीर का ब्रांच बना रखा है का कमरा को? इतना सर्दी इतना ठंडी। हमारे अंदर जो गुस्से की आग है ना वो ना बुझ नहीं रही है। बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ कि इस आग में तेल किसने दिया? और कौन देगा? श्रवणी। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो तुमको बुलाए है? तुमको याद है बचपन में हमको वो चाकू चलाने वाला करतब बहुत पसंद था, हम सीखने की कोशिश करते थे और सीख नहीं पाए थे। बहुत अच्छे से याद है, बाबूजी का कान चला गया था, बहरे हो गए थे, उसके चक्कर में नहीं उनको दीवार के सामने खड़ी करके दांच चाकू दांच चाकू दांच चाकू। बहुत अच्छे से याद है उनको। हाँ लेकिन हमारा गुस्सा बहुत शांत हो जाता था। हमें मन कर रहा है आज फिर से वो करतब करने का। हमारा एक दोस्त बाहर खड़ा है दरवाजे पर, बहुत देर से हमको बुला रहा था। अगर हम उससे मिलने नहीं गए ना तो उसको मतलब हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इतना बड़ा पाप लगेगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। बहना हम फटाक से मिलने जाते हैं और दो घंटा में मतलब फटाक से आ रहे हैं। प्लीज बहना। नहीं तुम्हारा हमारी मदद मत किए ना, आज तो कसम खा रहे हैं इस बार रक्षाबंधन पे राखी नहीं गले में फांसी होगी। बहना माफ कर दो बहना, प्लीज मत करो प्लीज। नहीं आई रिक्वेस्ट यू नहीं भैया, नहीं नहीं प्लीज नहीं। आराम से बना, आराम से बना, आराम से आराम से। कब कह रहे हो बे? सीधे खड़े रहो। सीधे खड़ा हूँ मैं। जिगरा नहीं है का? बीच में पितामह बना देंगे तुमको। च
सुनो, थोड़ा भड़ास कम हुआ कि नहीं? अभी तो खून गरम हुआ है हमारा। हाँ रुको, एक मिनट, पहले किधर? अरे अभी तो पिक्चर बाकी है। माना अब तुम ठीक लग रही हो? नहीं माना। अरे हे भगवान, अब रुको। शांति मिली रे। हाँ। तुम हमारे सगे भाई हो। बदारी का जमूरा जब खोलता है ना बाना, असली खेल तब भी शुरू होता है, देख लेना। श्रवणी खाओ बेटा। माँ जी, बाऊ जी, श्रवणी, कोई कुछ भूल का है मेरा? क्या बात है देवर जी? आइए आइए। अरे देवरानी जी भी साथ आई हैं। स्वागत है आपका। वो कहते हैं ना कि जब मौत बुलाती है तो लोग कहाँ कहाँ से पहुँच जाते। बस चंद्रा भाभी, आज आपकी किसी भी बात का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बेटी श्रवणी के पिद्दी को तो हम एक मिनट में मसल देंगे। चंद्रा, खबरदार, अगर हमारी बच्ची को हाथ भी लगाया तो नहीं मारेंगे, लेकिन जब तक तुम दोनों जिंदा। इतने कठोर थोड़ी ना है देवर जी, आपके बच्चे को आप ही के आंखों के सामने मार देंगे। नहीं, पहले आप दोनों को खत्म करेंगे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।